अनदर सीरीज ऑफ रोड रनर टाइगर। रोड रनर टाइगर में अगर आपने कुछ दिनों से अगर फॉलो किया हो तो आपको पता होगा कि मैं बैक टू बैक ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आप लोगों को मैं किसी तरह से ट्रैवल दिखाता रहूँ, एंटरटेन करता रहूँ। और अगर आपने मेरा स्पीति टूर अगर फॉलो किया हो तो आपको ध्यान होगा कि लास्ट एपिसोड में मैं जब पहाड़ों के नीचे आ गया था सोलांग वैली से नीचे, तो मैंने कहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ वहाँ पर छोड़ दिया है और बहुत जल्दी जो मैंने छोड़ा है वो लेने वापस ज़रूर जाऊँ। तो मैं वही वापस लेने जा रहा हूँ जो भी जो मेरा छूटा था। आप देखने वाले हैं इस बार एक्सट्रीम हिमाचल पार्ट टू। पार्ट टू क्यों, ये आगे आने वाली एपिसोड्स में आपको मालूम चलेगा। हालांकि हमेशा हर समय की तरह इस बार में मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम है कि मैं कहाँ कहाँ जाने वाला हूँ, क्या क्या करने वाला हूँ, कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, कब वापस आऊँगा, क्या क्या चीज़ें होंगी। लेकिन चलो फिलहाल सफ़र शुरू हो चुका है, रोड पे रोड रनर टाइगर निकल चुका है और बहुत सारी चीज़ें इस बार नई हैं। देखें जरा क्या देख पाते हैं और क्या आपको दिखा पाते हैं। करीब करीब 8 बजे मैं निकला था जयपुर से, और जयपुर से निकलने के बाद अभी इस वक्त रात के बज रहे हैं 10:30 और मैं बहरोड पहुंचने वाला हूं। बहरोड मिडवे है दिल्ली और जयपुर का। हालांकि मैं दिल्ली बाईपास करूंगा और रेवाड़ी रोहतक वाला हाईवे लूंगा और पानीपत के आसपास या उसके क्रॉस करने के बाद करनाल के आसपास कहीं पर गाड़ी रोक के अगर ज़रूरत पड़ी तो आराम करेंगे। तो ये अभी शेड्यूल है और कल कहाँ रुकने वाले हैं, कहाँ तक ट्रैफिक मतलब कहाँ तक मेरा रास्ता जाएगा, कहाँ मैं आराम करूँगा रुक के, नाइट हॉल्ट कहाँ पे करेंगे, बेसिकली ये अभी डिसाइड नहीं किया है। इसके आगे क्या क्या प्लान है ये मैं थोड़ी देर में बताऊँगा आपको, या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड तक आपको मालूम चल पाएगा। ये हरे चने जा रहे हैं सामने, मुझे बहुत पसंद है, बहुत लोगों को पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। मन कर रहा है यार गाड़ी से हाथ निकाल के बाहर हरे चने निकाल लो थोड़ा सा, तो रास्ते में कहीं मिलेगा मिलेंगे। लेकिन ये है कि जा रहे हैं एक्सट्रीम हिमाचल करने, और हिमाचल में भी एक्सट्रीम करने की कोशिश करूँगा। एक बात मैं इम्पोर्टेंट वो बता दूँ, जब आप ये एपिसोड्स सारे देख रहे होंगे या इसके बाद के एपिसोड जब आप देखेंगे, तो हिंदुस्तान के मोस्टली सभी राज्यों में गर्मी शुरू हो चुकी होगी, और गर्मी तो क्या मतलब प्रचंड गर्मी चल रही होगी। मेरा मकसद ये है कि जब आप प्रचंड गर्मी में रहें तो उस वक्त मैं आपको ठंड का एहसास करवाऊँ मेरे एपिसोड्स के थ्रू। ये बात मैं आपको आने वाले एपिसोड्स में धीरे धीरे कभी कभी बीच बीच में बोलूँगा, आपको कोशिश करूँगा बोर ना करूँ, लेकिन मैं बोलूँगा ये बात याद दिलाऊँगा, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि एक तो मैं तुरंत वीडियो डालूंगा नहीं, और डालूंगा भी जब तो मेरे दिमाग में ये हो है पहले से कि उस समय मतलब हिंदुस्तान में गर्मी का माहौल हो, पसीना चल रहा हो, उस वक्त मैं आपको ठंड का एहसास करवाऊँ अपने वीडियोस के थ्रू। तो फिलहाल बेरोड क्रॉस कर लिया है, निमराना क्रॉस कर रहे हैं और दिल्ली जयपुर हाईवे पर हैं, और अच्छी ड्राइव चल रही है। कम से कम रिकॉर्ड होगा अभी आज रात का जर्नी, कुछ अच्छा होगा, कुछ बेहतरीन होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ दिखाने लायक होगा तो दिखाऊंगा, अदरवाइज तो सड़क वही है, मैं भी वही हूँ और चल रहा है। हरियाणा एंटर करने के बाद अभी ये प्रदूषण जांच करने के लिए रुके, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो स्पीति वाले टूर में हमारा चालान कट गया था, हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं था, तो सर्टिफिकेट करवा लेते हैं, उसके बाद से करवाया भी नहीं मैंने, तो सर्टिफिकेट करवा लेते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। रात के बज रहे हैं अभी 11:11। मुझे ना हमेशा से ही रात की जर्नी बहुत पसंद है, मतलब जब मैं बसों से चलता था, ट्रेन से चलता था, तो भी मुझे लगता था रात को चलो अच्छा लगता है, कंफर्टेबल सा लगता है, और अब जब मैं खुद की गाड़ी चलता हूँ तब भी मुझे रात का सफ़र बहुत अच्छा लगता है कि रात में जितना खींच सकते हैं खींच लें, फिर सुबह अपना एंजॉय करते हुए चलेंगे। देखो इसी को बोलते हैं कांड, नहीं हो पाएगा, इतना टाइम भी ख़राब हुआ
और फाइनली हुआ भी नहीं, उनके सिस्टम में कुछ एरर आ रहा है, अब मुझे आगे जाके वापस दूसरी जगह पे जाके करवाना पड़ेगा। ये होता है यार, इसमें समय खराब होता है, करीब करीब 10 मिनट समय मैंने खराब कर दिया। अभी अब यार रात में बार बार तो रुकेंगे नहीं, अब एक जगह जहां पर डीजल भरवाया वही सोच रहे थे जल्दी से अपना प्रदूषण जांच भी करवा के और सर्टिफिकेट ले लें। टाइम भी खराब हुआ, काम भी नहीं हुआ। करनाल पहुंच गए हैं। इस रूट की सबसे अच्छी बात ये है ना कि यहाँ बड़े अच्छे अच्छे ढाबे हैं, मतलब होटल तो नहीं कहेंगे लेकिन ढाबे ही हैं, लेकिन बड़े अच्छे अच्छे हैं। मतलब अगर बाहर देखो तो बरिस्ता कैफे कॉफी डे है, बड़ा अच्छा सा रेस्टोरेंट है, और इनमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि बड़ा ही साफ सुथरा नीट एंड क्लीन आपको वॉशरूम मिलता है। वॉशरूम अगर साफ सुथरा मिलता है ना तो आपका वैसे ही थोड़ा सा जर्नी जो है ना थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है। अब जैसे रात के अभी बज रहे हैं 2:46, मतलब 2:45 बज रहे हैं। अब इस वक्त मैं यहाँ पे रुका हूँ थोड़ी देर में अभी गाड़ी में पीछे सीट पे जाके आराम कर लूँगा थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद। अब सुबह सुबह यहाँ से निकल सकते हैं, वापस से फ्रेशन अप होके कुछ खा के एक कॉफ़ी पी के यहाँ से सुबह सुबह निकलना ठीक रहेगा। इंतज़ार करें, इस सीरीज़ में बहुत कुछ बाकी है, अभी तो बस शुरुआत हुआ है। मुझे उम्मीद है कि मज़ा मस्ती बहुत होने वाला है, धमाल होने वाला है, धमाल पॉजिटिव सेंस में ही हो, सब अच्छा अच्छा हो और अच्छे जर्नी करके हम वापस निकल जाएं। ऐसी मंगल कामना मैं करता हूँ अपने लिए और आप लोग भी करेंगे मेरे लिए। तो आज के इस ब्लॉग को मैं कर रहा हूँ यहीं पर ख़त्म। अगर ये छोटा सा एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या अच्छा था क्या बुरा था, बुरा है तो बुरा भी कमेंट करें, मुझे बुरा भी कमेंट अच्छा लगता है। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मोटिवेट ज़रूर करें। रोड रनर टाइगर को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब रोड रनर टाइगर, और बने रहिए चैनल के साथ, एंजॉय कीजिए सीरीज़। थैंक यू वेरी मच।